मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रचार का क्षेत्र विस्तृत है तो उनका शेड्यूल भी बेहद व्यस्त है। इन सब के बीच कुछ पल निकालकर भाजपा प्रत्याशी दिव्य हिमाचल वेब टीवी से रूबरू हुए। रामस्वरूप शर्मा ने हर सवाल पर बेबाकी से राय रखी। खासकर पंडित सुखराम और उनके बेटे अनिल शर्मा द्वारा किए जा रहे हमलों से वह काफी खफा है। भाजपा पर लगाए जा रहे दुष्प्रचार के आरोपों पर वह कहते हैं कि अनिल शर्मा कोई गवर्नर नहीं जो भाजपा उनसे पूछकर फैसले लेती फिरे। रामस्वरूप शर्मा का कहना है कि चुनावों के बाद अनिल शर्मा न घर के रहेंगे न घाट के। वह कहते हैं कि बार बार धोखा देना इस परिवार की फितरत है। तो आइए देखते हैं क्या कहा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने। तो आपको क्या लगता है रामस्वरूप जी, चुनावों के बाद अनिल शर्मा आपका साथ देंगे या उसके बाद भी वो प्रत्यक्ष रूप से अपने बेटे की मदद करेंगे या कांग्रेस की मदद करेंगे? क्योंकि विधायक तो वो भाजपा के हैं, अभी तक उन्होंने अपने अपने विधायक पद से उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया, पार्टी नहीं छोड़ी है उन्होंने। देखिए उनकी स्थिति तो ये बन रखी है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना तो उनको कांग्रेस वाले स्वीकार करेंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी वाले स्वीकार करेंगे। जो उन्होंने कारनामे किए इन महीने भर में, जो शब्दों का उपयोग उन्होंने किया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खुलेआम उन्होंने मुख्यमंत्री जी की आलोचना की, पार्टी प्रत्याशी की आलोचना की है, और वीरभद्र जी को तो वो शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, पूरे परिवार ने। जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको तो वो आरोप लगाए हैं। और जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को 5 बार धोखा दिया है, इनको कोई स्वीकारने वाला नहीं। मंडी सदर की जनता भी नहीं स्वीकार है कि मुझे विश्वास है मंडी सदर की जनता, नया इतिहास लिखा जा रहा है। आज प्रांत के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है। जयराम ठाकुर जी पहली बार मंडी जिला से मुख्यमंत्री बने। हर वर्ग में, हर जनता का हर वर्ग चाहता है कि हम ये वोट, हमारा मुख्यमंत्री ताकतवर होना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री शान से विकासात्मक योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मंडी की जनता ने माफ करने वाली नहीं, उन्हें निर्णय कर लिया है। ये जो मर्जी कर ले, धन बल का प्रयोग कर ले, झूठ बोल जो कुछ करना चाहे कर ले, लेकिन मंडी की जनता ने पूरा मन बनाया है कि इस बार सुखराम परिवार को पूरे 40 वर्षों का हिसाब पूरा कर लेना। चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई लोग इनको बख्शने वाला नहीं, जो मैंने महसूस किया। तो आपको क्या लगता है कि चुनावों के बाद अनिल शर्मा जी का क्या होने वाला है? देखिए इस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, हमारा पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो करेगा। इनके पूरे जो जो उन्होंने कहा है, जो जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं, जो उन्होंने गलत प्रचार किया है, एक भाजपा विधायक होने के नाते, भाजपा के कैबिनेट मंत्री होने के नाते, सारे तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और इस पर पार्टी एक्शन लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और पहला एक्शन तो जनता लेने वाली है, जनता का एक्शन बहुत बड़ा एक्शन है जो दिखेगा आपको 23 मई को, लेकिन संगठन भी इनको छोड़ने वाला है। लेकिन अनिल शर्मा तो कहते हैं कि प्रचार में भाजपा दुष्प्रचार करती है, जब भी कोई चुनाव आता है उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं, उनकी अनुमति के बिना आपने उनका पोस्टर लगा दिया, ऐसे ऐसे आरोप तो वो भाजपा पे लगाते हैं। अनुमति लेने को कोई वो गवर्नर जनरल नहीं लगे हैं, उनकी अनुमति लेनी है हमने, वो साधारण एक भाजपा के कार्यकर्ता है और मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पोस्टर छापने के लिए, उनका प्रेस नोट जारी करने, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक, तमाम मंत्री, उनसे अनुमति नहीं ली जाती है। चुनाव आया, युद्ध सिला है और पार्लियामेंट 2019 का चुनाव है, यहाँ सबको एक मंच पर आना होगा, अपील करनी होगी। अगर वो नहीं करेंगे वो तो वहीं पकड़े जाते हैं, वो पुलिस को शिकायत कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के विधायक है क्या? फूट वोट के लिए निवेदन करना ये तो दायित्व बनता है। ये जो भी काम कर रहे हैं अपने आप को बिल्कुल मुजरिम बन चुके हैं, परिवार के भी और पार्टी के। अगर सर आप जीत के लोकसभा जाते हैं तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको सरकार में बड़ा पद मिल सकता है या प्रदेश में संगठन में आपको तरजीह मिल सकती है? क्योंकि आपके समर्थक कहते हैं आप या मंत्री बनेंगे या पार्टी के आप या अध्यक्ष या एक बड़ा पद आपको प्रदेश में मिल सकता है। देखिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रांत के नेतृत्व का आभारी हूँ, मुझे बड़े बड़े पद मिलते रहे, आज भी मैं पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, इससे बड़ा पद कोई नहीं होता है। मैं सांसद बनूँ मंडी पार्लियामेंट जनता के अपार सहयोग से, और पार्टी की मुझे बहुत बड़ी कृपा रही है, उन्हें मुझे पुनः एक बार प्रत्याशी बनाया है, इससे बड़ा पद कोई नहीं होगा। मैं सांसद बन के मंडी पार्लियामेंट की आवाज़ बनूँ
और माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होकर, अपने चारों सांसदों के साथ खड़ा होकर हिमाचल की हक की लड़ाई दिल्ली में लड़ूं, ये सबसे बड़ा पद होगा। पार्टी में वो बगावत कर रहे हैं तो आप निकाल क्यों नहीं देते उनको, भाजपा से निकालिए, फिर भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्यों नहीं स्पष्ट कर रही, क्योंकि सीधा सीधा नुकसान तो वो आपको पहुंचा रहे हैं, आप प्रत्याशी यहाँ से, तो आप निकाल दीजिए। देखिए वो सुखराम के बेटे हैं, पंडित सुखराम, और बहुत बड़े धुरंधर नेता अपने आप को मांगते हैं, चाहिए तो ये था कि अपना विधायक पद से इस्तीफा देते, और परंपरा रहती है कई प्रांतों में जिन्होंने पार्टी छोड़ी उन्होंने सांसद से पद से भी इस्तीफा दिया, एमएलए पद से इस्तीफा दिया। एक तो कायराना हरकत ये कर रहे हैं कि बीजेपी के विधायक रहकर वो उल्टी बातें कर रहे हैं, जब वीरभद्र सरकार में मंत्री थे एक शब्द नहीं बोला, पार्लियामेंट में राज्यसभा के सदस्य थे एक शब्द नहीं बोला, बीजेपी 15 महीने सदस्य रहे, पावर मिनिस्टर, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन एक काम जरूर किया उन्होंने, अपने बेटे को लाहौल किन्नौर बरमोर घुमाना, सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करना, उसका परिचय करना, ये काम जरूर किया। डॉक्टर नहीं थे तो नाकामियां कांग्रेस सरकार की थी, जिसके वो मंत्री अनिल शर्मा थे, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, डॉक्टरों के इंटरव्यू हुए, आज 51 डॉक्टर मंडी जिले में पोस्ट किए, कोई कमी डॉक्टरों की नहीं, सड़कों लिए करोड़ों अरबों की राशि जारी की गई है, लेकिन बरसात इतनी ज्यादा हो रही है, सारी सीमाएं बरसात ने तोड़ रखी है, बर्फबारी ने तोड़ रखी है, सारे काम टायरिंग के, सड़क निर्माणों के रुके पड़े हैं, जैसे मौसम ठीक होगा ये काम सभी होंगे, लेकिन अनिल शर्मा को तब लग रहा है कि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, कल उनके पड़पोते पोते को टिकट नहीं दिया, ये पूरा परिवार आज तक अपने लिए अपने परिवार के लिए लड़ता रहा मरता रहा, इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया, मंडी की चिंता कभी नहीं की कि मंडी में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मंडी में हेलीपोर्ट होना चाहिए, हेलीपैड होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, मंडी शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, आज मंडी में बस स्टैंड बनाया तो धूमल सरकार ने बनाया, आज मंडी में पुल बने तो धूमल सरकार के राज बने, आज दूसरा पुल बने तो जयराम ठाकुर के कारण बन रहा है, पूरे विकासात्मक योजना चलिए, 24 घंटे पानी की स्कीम 87 करोड़ की तो केंद्र के द्वारा चलिए मोदी सरकार बनी, शहर का सुंदरनीकरण करोड़ों रुपए माननीय नरेंद्र मोदी ने जारी किए हैं, आज शहर का सुंदरनीकरण हो रहा है, अनिल शर्मा जी बताए उन्होंने किया क्या, ये काम तो बताए और अपने पिताजी के काम भी बताए कि पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे क्यों नहीं बन सका, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सका, और सबसे बड़ी बात है कि पद से इस्तीफा देकर बात करें, अगर उन्हें इंसानियत है तो उन्हें इस्तीफा देकर सामने बात करनी चाहिए, पूरा सोशल मीडिया में प्रिंट मीडिया में लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, और जनता की नजरों में जिस तरह मंडी सदर की जनता आज उनको छोड़कर, ना उनके पास पंच बचा ना प्रधान बचा, कुछ नहीं बचा, मुझे तो लगता है उनका ना बेटा बचा ना बाप बचा, सबसे बहीन होकर वो छुपकर आलोचना कर रहे हैं, हिम्मत है उनको तो पद से इस्तीफा दें और फिर आरोप लगाएं, सामने आके बात तो करें, कभी मुख्यमंत्री जी को सलाह देने लगना, कभी प्रेम का धूमल जी जो वरिष्ठ नेता उनको सलाह देने लगना, एड़े बड़े संत बन गए, बड़े महात्मा बने, अगर इतना शोक है तो दीजिए इस्तीफा मंडी से, भाई आपकी बड़ी भारी ख्याति है, हाँ आपके पिताजी की बड़ी ख्याति है, इनका बनाई थी उन्हें तो 4 सीटें जीती थी प्रांत में, फिर 1 सीट जीती थी, तसल्ली कर ले, क्या बिगड़ा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। रूप शर्मा जिनसे हम विस्तार से बात कर रहे थे, और कई इन्होंने बेबाकी से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है, अपनी स्थिति स्पष्ट की है। अमन अग्निहोत्री के साथ मस्तराम डलाल, नेर चौक मंडी, दिव्य हिमाचल।